अगर भाई लोग आपके पास यहाँ पे बिल्कुल भी बजट नहीं है, बहुत ही लो बजट है, सिर्फ 5 से 6 हजार बजट है, उतना बजट के अंदर एक पीसी बिल आपको करना है, आप यहाँ पे बिगिनर हो, पीसी में सिर्फ एंट्री लेवल की पीसी आपको चाहिए, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। एंड हाँ, और एक चीज भाई लोग, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक रिमाइंडर दे देना चाहूंगा कि भाई लोग इस पीसी के मदद से आप यहाँ पे तो गेमिंग वगैरह को यहाँ पे भूल जाओ, गेमिंग इस पीसी बहुत ही दूर दूर तक आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। लेकिन हाँ भाई लोग, इस पीसी के मदद से आप यहाँ पे रिसर्च वगैरह हो या अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, स्टडी वगैरह काम के लिए इस पीसी को इस्तेमाल कर सकते हो, और आप यहाँ पे एक शॉपकीपर हो, आपको यहाँ पे डाटा वगैरह एक्सेल शीट वगैरह मेंटेन करना है, तो इस पीसी को काम में ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे एक साइबर कैफे खोल रहे हो एंड वहाँ पे आपका सिर्फ ऑनलाइन ब्राउजिंग काम वगैरह है, ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह डालने की काम है, ऐसे टाइप की काम इस पीसी आराम से मक्खन की तरह आपका करवा देगा, कोई भी जहाँ पे आपको यहाँ पे दिक्कत देखने नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे वीडियो वगैरह देखना है, यूट्यूब वगैरह में जाके नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, आपका कंटेंट यहाँ पे कंज्यूम करना है, मूवी वगैरह एंजॉय करना है, तो ऐसे टाइप के पीसी में इस टाइप की काम आराम से चल जाता है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन पीसी बिल ही करते आ रहे हैं बहुत सारे टाइम से, तो लोग ये जो पीसी हम यहाँ पे ऑफलाइन स्टोर के अंदर विजिट करके इस पीसी को बिल्ड करवाने वाले हैं। लास्ट में दोस्तों किस कंपोनेंट्स का प्राइस हमको कितना देखने के लिए मिलेगा हम आपको यहाँ पे रिवील करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहना। तो आओ भाई लोग चलते हैं। हाँ भाई, पूरा मामला हमारा यहाँ पे हो चुका है सेट, देख सकते हैं भाई यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड आ चुका है जो कि कंसिस्टेंट की हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। भाई बजट पीसी बिल कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट की हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, हमारा मजबूरी यहाँ पे हो जाता है। तो ब्रांड न्यू वाला यूज कर रहे हैं तो कोई जगह पे आपको दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा, देख सकते हैं उसका ट्रे वगैरह प्लेट उसका सारी चीज बंदोबस्त आपका देखने के लिए मिल जाएगा। भाई अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो प्रोसेसर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, देख सकते हैं i3 की थर्ड जनरेशन वाला प्रोसेसर, ये काफी चीपेस्ट प्राइस के अंदर आता है, तो इसको हम यहाँ पे प्रेफरेबल दिए। हमारा मदरबोर्ड के जो ट्रे के अंदर अभी फिटिंग हो चुका है, देख सकते हैं प्रोसेसर तो हमारा यहाँ पे कंप्लीटली भाई लोग यहाँ पे सेटअप हो चुका है, हमारा यहाँ पे 30% काम ऑलरेडी पीसी बिल का खत्म हो चुका है। तो उस प्रोसेसर तो दोस्तों जानते ही होंगे आप, बहुत ज्यादा हीट होता है, तो उसको कूलिंग रखने के लिए, प्रोसेसर को पूरी तरह से यहाँ पे चिल रखने के लिए उसका जो सीपीयू कूलिंग फैन यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे जेबियन ब्रांड की इस्तेमाल कर रहे हैं जो की आपको 200 से 300 बजट के अंदर देखने के लिए मिला था। सिंपल सी इसको हम यहाँ पे सीपीयू कूलिंग के मामले में इस्तेमाल कर रहे हैं, देख सकते हैं इसका हमारा पूरी तरह से हमारा सेटअप हो चुका है। अभी सिंपल सी इसका जो पावर को यहाँ पे दे देते हैं, जिसके मदद से इस पावर के अंदर जाने के बाद ये घूमने शुरू हो जाएगा और हमारा सीपी को क्लू कर देगा। एंड भाई लोग उसके बाद देख सकते हैं हमारा जो रैम की बंदोबस्त आप यहाँ पे देख सकते हैं, 8GB की DDR3 वाला रैम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला है। एंड देख सकते हैं एवरटेक ब्रांड की यूज कर रहे हैं, ब्रांडेड वाला यूज कर रहे हैं, आपको यहाँ पे एक साल की वारंटी भी देखने के लिए मिल जाता है, तो इसको हम यहाँ पे प्रेफरेबल दिए। एंड आपको यहाँ पे स्पीड वगैरह भी काफी बेहतरीन देखने के लिए मिल जाएगा। एंड भाई लोग उसके बाद जो हमारा मेजर यहाँ पे कंपोनेंट्स चलाता है जो कि एक अच्छा सा कैबिनेट, तो बजट पीसी बिल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं है कि सेकंड हैंड यूज कर रहे हैं दोस्तों, पूरी तरह से ब्रांड न्यू वाला यूज कर रहे हैं और आपके सामने ही दोस्तों अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं ब्रांड न्यू वाला, तो दूध का दूध पानी का पानी आपका सामने यहाँ पे क्लियर कट हो जाता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे नहीं लगेगा कि कोई सेकंड हैंड चीज आपको यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ जिसके अंदर आपका यहाँ पे बजट पीसी बिल हो रहा है, ऐसा बात नहीं है दोस्तों, पूरी तरह से जेब्रोनिक्स का देख सकते हैं ब्रांड न्यू वाला कैबिनेट हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। काफी बढ़िया यहाँ पे उसका जो रेड स्ट्रिप दिया गया है जिसके मदद से इसका लुक काफी बेहतरीन माना जाता है। एंड पावर सप्लाई के मामले में हम इसको जो जेब्रोनिक्स की सस्ते वाला जो 450 वाट का यहाँ पे नॉन मॉड्यूल वाला पावर सप्लाई इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, बजट पीसी बिल कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉन मॉड्यूल वाला को ही हमको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं सिंपल सी इसको हमारा भाई यहाँ पे खोल चुके हैं, खोलने के बाद सिंपल सी उसका ब्रांडेड बॉक्स को यहाँ पे अनबॉक्स करके उसको यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे स्क्रू वगैरह फिटिंग करके। तो सिंपल सा इतना ही दोस्तों पावर सप्लाई के बारे में, और क्या ही बोलूँ यहाँ पे, इतना ही आपको सेटअप करने के बाद हमारा यहाँ पे पावर सप्लाई यहाँ पे फिटिंग हो जाएगा कैबिनेट के अंदर। हमारा स्क्रू वगैरह अभी टाइट कर रहे हैं, देख सकते हैं पावर सप्लाई को फिटिंग करने के बाद उसके बाद मदरबोर्ड के अंदर सारे उसका पावर की कनेक्शन वगैरह देंगे, तो उसको जानने के लिए वीडियो पे बने रहना दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पावर सप्लाई तो अभी कंप्लीटली स्क्रू वगैरह फिटिंग होकर यहाँ पे रेडी हो चुका है, टपाटप देख सकते हैं मामला भाई सेट हो चुका है, कोई भी जहाँ पे आपको यहाँ पे दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा। भाई ये जो बजट पीसी हम यहाँ पे बिल कर रहे हैं दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है मेरे को यहाँ पे जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये। और भाई लोग इसको आप यहाँ पे परचेस करना चाहते हो तो इसका जो व्हाट्सअप नंबर को भी आपको यहाँ पे दोस्तों पॉपअप कर दूंगा, इसको भी डायरेक्ट हमारे यहाँ से भी आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, सीओडी वगैरह आपको दे दूंगा डायरेक्ट, जब आपके पास ये पहुंच जाएगा तो तब आप यहाँ पे उसका पेमेंट वगैरह दे सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे उसका सीपीयू की जो ट्रे वगैरह लग रहा है जिसके मदद से हमारा जो हमारा मदरबोर्ड यहाँ पे प्लेट के अंदर बैठेगा। एंड अभी दोस्तों जो पावर केबल की जो वायरिंग वगैरह काम अभी चल रहा है देख सकते हैं, इसके मदद से हमारा यहाँ पे कम्प्लीटली हो चुका है। SSD वगैरह हम यहाँ पे देख सकते हैं 256GB का कंसिस्टेंट की SSD इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि दोस्तों यहाँ पे स्पीड के मामले में काफी बढ़िया ये दे देगा इस SSD, हम यहाँ पे हार्ड डिस्क इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल फिटिंग हो जाने के बाद हमारा पीसी कुछ इस टाइप का लुकिंग हमको देखने के लिए मिल जाता है। भाई चेकआउट मार सके तो कैसे लुकिंग आपको देखने के लिए मिल जाता है, फ्रंट वाली साइड में भी दोस्तों ऐसे टाइप का आपको कुछ लुकिंग देखने के लिए मिल जाता है। भाई ये पीसी बिल आपको कैसा लगा जरूर हमको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और ऐसे
वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगला एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग टू टेक्निकल वॉलेट। हाँ, और एक चीज़ भाई लोग, यहाँ पे मैं तो पूरी तरह से भूल ही गया, लास्ट में इसका जो प्राइस को मैं आपको रिवील करने के लिए प्रॉमिस किया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपोनेंट्स का प्राइस हमको कितना देखने के लिए मिल गया। आपको मैं यहाँ पे पेपर के अंदर नोट करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए भाई लोग इतना ही हमको यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स की प्राइस देखने के लिए मिल जाता है। और लास्ट में हमारा जो बजट यहाँ पे चला था, देख सकते हैं पूरी तरह से राउंड फिगर 6000 के अंदर ये सारे चीज हमको देखने के लिए मिल जाता है। अगर भाई लोग आपको यहाँ पे इस पीसी को चाहिए तो हमको यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।